गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे इज आवर टॉपिक इज एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट एंड आवर ग्रुप मेंबर इज मरियम मी माई सेल्फ मरियम रुबैका अमीना बीबी दीदार अली राहत शाह शगुफ्ता उस्मान एंड मोहम्मद जैद सुमरो. सर नेक्स्ट स्लाइड. सर नेक्स्ट. Our objective is epidemiological measurements. जी ये ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं. Epidemiological measurement. What is epidemiological measurement and what it is include in it? Crude death rate, life expectancy, infant mortality rate, maternal mortality rate, or proportional mortality rate. Sir, next slide. First, we have to know what is epidemiology. It is the branch of medicine which deals with the incidence, distribution, and possible control of disease and other affecting relating to them. It means the study of distribution and determinants. मतलब हम इसके अंदर distribution करते हैं और determine करते हैं health related states को और events को in specific populations. ठीक है. और इस study को apply करने का मतलब क्या होता है, क्यों वजह क्या होती है, to the control of health problems. Then what is epidemiological measurement? It means incidence, prevalence, and mortality rates are three frequency measures that are used to characterize the occurrence of health events in a population. It means epidemiological measurement is the process of collecting data. इसमें हम data collect करते हैं for the events. क्यों करते हैं? इंटरेस्ट के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि किस वजह से डेथ्स हो रही हैं और या किस वजह से डिजीजेस अक्रेंस हो रही हैं. सर आगे कंटिन्यू करेंगे अमीना बीबी. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है. आप शुरू करें. सर मैं स्टार्ट करूं? जी जी बिल्कुल. देयर आर फंडामेंटली डिफरेंट वेज of measurement disease frequency. Disease frequency को different type, different मतलब ways से जो है हम measure कर सकते हैं. और incidence का मतलब है कि refers to occurrence of new cases of disease or injury population over a specific period of time. मतलब एक specific time period में जो new disease cases आते हैं या फिर injury के cases आते हैं, उनको हम जो है इसमें देखते हैं, उसे incidence कहते हैं. इसका formula है number of new cases over a time period, मतलब नए cases जो एक उस पूरे time period में आ रहे होते हैं उसको जो है हम total population जो उस time period पे risk पर होती है उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारा इंसिडेंस रेट आ जाता है. सर नेक्स्ट प्लीज. प्रीवलेंस. प्रीवलेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड. मतलब आबादी का तनासुब जो कि एक मखसूस टाइम पीरियड पर कहलाता है. फॉर्मूला इसका है कि नंबर ऑफ केसेस, मतलब जितने भी केसेस हुए हैं वो, और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका प्रीवलेंस रेट आ जाएगा. सर नेक्स्ट. दीदार अली की है स्लाइड. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दीदार अली, बहुत अच्छी आ रही है. सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा. उनका हम डेथ रेशो निकालते हैं, इसे हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं. आगे इसका फार्मूला है सर, वो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा.
अच्छा, इसमें हमारी जो फार्मूला है यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन पर ईयर, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा क्या आ जाएगा क्रू डेथ रेट का रेशो आ जाएगा कि हमारा क्रू डेथ रेशो कितना है। अब इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि यानी कि 2007 में पॉपुलेशन में 4000 लोग मरे थे, कितने पॉपुलेशन में से, 20000 पॉपुलेशन में से, तो अब उसको हम करेंगे 4000 हमारा टोटल डेथ रेट हो गया टोटल पॉपुलेशन, उसको हम डिवाइड करेंगे 20 लाख से, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इसका जो हमारा क्रू डेथ रेट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, मतलब 1000 में से हर साल 2 लोग मरते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, ये ग्राफ है क्रू डेथ रेट का, ये है सन 1800 से लेके 2020 तक यूनाइटेड स्टेट की, इसमें ये बताया गया है कि पहले इनका जो क्रू डेथ रेशो था वो 50% था 1800 में, फिर इसके बाद उन्होंने कम करते करते अपना डेथ रेशो 2020 में ये 5% अपना क्रू डेथ रेशो लाए हैं। सर ये मेरी स्लाइड थी, नेक्स्ट स्लाइड उस्मान की है। थैंक यू सर। जी उस्मान।